सभी को नमस्कार। बहन नंदिता जी को उनका अभिनंदन और उनका आभार कि जितना मैंने सुना, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति आपने की है। एक कल के भारत की जो एक कल्पना आपने एक बुद्धिजीवियों के समूह में रखी है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये सब लोग इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर इसको आम जन तक ले जाने के लिए इसका इनका बड़ा प्रयास रहेगा। और आपकी सब बातों को मानते हुए और सब बातों का समर्थन करते हुए, उसके लिए हम सब का सहयोग होना ही चाहिए। साथ ही साथ कुछ बातें जो मेरे मन में हैं वो ये हैं कि कल का जो भारत बनाना है वो टुकड़ों में नहीं बनने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि हम एक क्षेत्र में तो बहुत आगे चले जाएं और दूसरा क्षेत्र पीछे रह जाए, जैसे हमने अपने पूर्व में किया है। हम कुछ खाद्य पदार्थों में, कुछ में हम सरप्लस में हो गए और कुछ में हम इतना हमारे में कमी आ गई कि उसके लिए हमें आयात करना पड़ता है। एडिबल ऑयल्स हमें आयात करने पड़ते हैं और गेहूं और चावल हमने सरप्लस कर लिया। ये जो संतुलित विकास की बात है, जो समग्र विकास की बात है, हमको सभी को साथ लेकर और सभी प्रकार के विकास का एक ब्लूप्रिंट बना करके और एक ऐसा बनाना जिसमें जिसमें राजनीति बदलने पर भी उसमें परिवर्तन ना आए, क्योंकि 2-4-5 साल का विषय नहीं है ये। और राजनीति बदले, व्यवस्थाएं बदले, तो हमारे विकास के उद्देश्य बदल जाए, विकास की परिकल्पना बदल जाए, विकास का हमारा मार्ग बदल जाए, उससे समाज को बहुत हानि होती है, समाज बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए हमारा अब प्रयास, हम अगर हम अपने देश को प्रजातंत्र भी माने तो अब प्रजातंत्र हमारा जो है परिपक्व हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। उस मैच्योर काल में हम कम से कम बौद्धिक जगत में, शैक्षणिक जगत में हमारे कल के भारत की एक सहमति पूर्ण कल्पना होनी चाहिए। ऐसी एक कल्पना होनी चाहिए कि कल का भारत मेरा कैसा होना, उसके क्या क्या फैक्टर्स होने, किस किस क्षेत्र में हमको कैसा कैसा बनाना, इसमें हमारी एक इसको कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के एक सहमति होनी चाहिए। असहमतियों के बीच भी हमको सहमतियां बनाने की आवश्यकता है और उन सहमतियों के आधार पर जो हम कल की योजना बनाए, कल की कल्पनाएं बनाए और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ना तो प्रशासन इसको करने वाला है, ना ही राजनीति इसको करने वाली है। करना होगा तो हमें और आपको करना पड़ेगा, ये हमको सोचने वाली बात है। और कहीं हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो गांधी ने स्वराज का कॉन्सेप्ट बताया था, वो आत्मनिर्भर भारत नहीं है, वो नहीं है। वो हमको इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आज का भारत, आज का समाज, आज की मानवता बहुत भिन्न है। वो टेक्नोलॉजी आधारित है। हम गांधी की टेक्नोलॉजी से जो परहेज था, उसको साथ ले, उसको मानते हुए हम आज के नए भारत को हम टेक्नोलॉजी रहित नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं कर सकते। अगर आज हमको अपने ग्रामों को उत्थान करना है तो हमको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही होगा, मगर कौन सी टेक्नोलॉजी लेनी, कितनी टेक्नोलॉजी लेनी, कितने हाथ चाहिए हमें और कितने हाथ टेक्नोलॉजी को संभालने के लिए चाहिए, ये सब बड़ा विषय है। और हम सबको जो आपने आज इंडिया पोस्ट ने इस विषय को प्रारंभ किया है और बहन नंदिता जी ने इसकी बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि व्यवहारिक प्रस्तुति की है। और सबसे बड़ा विषय जो है मुझे लगता है किसान का है। अगर किसान के मन में आ गया ना, जब किसान के मन में आया था कि मैंने अपने देश को इतना खाद्यान्न पैदा करना है कि मेरे देश को मांगना ना पड़े, उसने करके दिखाया। वो हमारे सैनिक ने करके दिखाया कि जो 1962 में हमें शर्म शर्मा
एक लज्जा आई, लज्जा की बात हुई थी। हमारे सैनिकों ने 65 और 71 की लड़ाई में और फिर कारगिल की लड़ाई में दिखा दिया कि हमने बदले ले लिए हैं, अब हम अपने सुरक्षा के लिए हम अपने आप में सक्षम है। इसी प्रकार आज फिर से किसान को, फिर से मजदूर को, फिर से किसान को हमको संभालना पड़ेगा, और उन्हीं के आधार पर जो कल का भारत बनना है, चाहे आत्मनिर्भर भारत बनना है, वो देखना पड़ेगा। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमको आत्मनिर्भर भारत जो है वो टुकड़ों में बने, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ना बने, जैसे आजकल हमारी प्लानिंग चल रही है कि स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेजेस बनाएंगे, तो कुछ तो स्मार्ट बन जाएंगे और कुछ अनस्मार्ट रह जाएंगे। मेरा सबसे आग्रह है कि नंदिता ने जो बताया है उसको अपने पास केवल मन और मस्तिष्क में ना रखें, उसको नोट भी कर लें और समय समय पर हर एक बिंदु पे विचार करें, और अपने अपने समूह में, अपने अपने जो छोटे ग्रुप हैं उनमें इसकी चर्चा करें, और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हो तो नंदिता जी से बात करिए, दूसरे लोगों से बात करिए, परंतु एक अभियान बना करके चलिए, समग्रता का अभियान बना करके चलिए, समग्र आत्मनिर्भरता का अभियान बना के चलिए, और ये अचीवेबल टारगेट है जिसको कह सकते हैं कि ये करने योग्य कार्य है, करना ही चाहिए, और ये होने वाला कार्य है, ऐसा नहीं है कि असंभव कार्य है, और बहुत लंबा समय भी इसके लिए नहीं चाहिए। अगर हम सब ने अपना मन बना लिया, संकल्प कर लिया, हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया, तो वो होगा ही होगा, ये हम सबको विश्वास ही है, और बहुत इस बात, इस विषय को और चर्चा में लाएं, जन जन तक ले जाएं, और जो 50% से अधिक हमारा भारतीय खेत में काम करने वाला है उस तक जाए, जो हमारा 30-35% जो हमारा मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे खेत में हो, उस तक जाना चाहिए। हम और आप आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसकी योजना बना सकते हैं, लोगों तक ले जा सकते हैं, मगर जो वास्तव में करना है वो तो जन जनमानस ने करना है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, सरकार नहीं कर सकती, नहीं करेगी, ना उसकी इच्छा शक्ति बनती है, ना ये प्रशासन जो अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ प्रशासन है वो व्यवस्था इसको नहीं कर सकती है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। करना होगा तो हम जैसों को करना होगा, सामाजिक संस्थाओं को करना होगा, और हमारे जैसे, आप जैसे, नंदिता जैसे, नंदिता जैसे जैसे युवा कार्यकर्ताओं को करना होगा। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर कभी मौका मिला तो इसको बिंदु और इसकी चर्चा करके और योजना बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि दो कार्यक्रम होने वाले हैं, एक 30 तारीख को पंचनद शोध संस्थान सिरसा, एक चर्चा रखने, उसने चर्चा रखी है, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमको एक बताने वाले हैं कि किसान आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है, एक उसके बड़े 30 तारीख को होने वाला है, और दूसरा हम लोग 4 तारीख को एक छोटा ग्रुप इस पे बैठ रहे हैं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात है, हम योजना बनाने के लिए बैठ रहे हैं कि आत्मनिर्भर हरियाणा कैसे बनेगा, अगर हरियाणा को, हरियाणा में एक मॉडल बनाना हो देश, प्रयोग करने का विचार है, तो बहुत ही सुंदर विषय है, और हम बहन जी को भी इन कामों में इन्वॉल्व करेंगे, अगर वो समय दे पाएंगी तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।